वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, ये नारे लगाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत की, जहां पर पानीपत के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे ये सभी छात्र न्याय की गुहार कर रहे हैं। जी हां, पूरे देश भर में कोलकाता में हुए निर्भया हत्याकांड मामले को लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में पानीपत में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा स्काईलार्क में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र, नर्सेस सभी मौजूद रहे, जिसमें सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा उन्हें न्याय चाहिए इस मामले में। वहीं छात्र इकट्ठा होकर पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और डीसी को ज्ञापन सौंपा। तस्वीरें आपको पानीपत की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हाथों में बैनर ले रखा है और ये सभी वो छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सेफ्टी के पर्पस से न्याय की गुहार की जा रही है और गुहार लगाते हुए बैनर हाथों में ले रखा है, कोलकाता निर्भया को न्याय मिले। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये आज मीटिंग की गई, साथ ही प्रदर्शन करती हुई नारेबाजी की गई और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। एक बार सुनिए डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। पिछले दो डेकेड से ये चीज़ें बढ़ रही हैं डे बाय डे, अब ये हालत हो गई है। पहले तो एक रूड बिहेवियर था, वायलेंस था, शीशे तोड़ते थे, अस्पताल तोड़ते थे, अब मर्डर, बीटिंग, टोटल फिजिकल वायलेंस पे आ गए हैं। इसलिए हम दो डेकेड से लगे हुए हैं एक सेंट्रल लॉ के लिए कि हस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ हेल्थ केयर को डिलीवर किया जा रहा है, इनको एटलीस्ट सेफ बनाइए। अब ये लड़की ड्यूटी कर रही थी 36 घंटे की, इसके पास ड्यूटी रूम ही नहीं था, टॉयलेट करने के लिए तीसरी मंजिल पर जाती थी, सोने के लिए चौथे मंजिल पर जाती थी। सो एटलीस्ट, क्योंकि 60% अब लड़कियां आ रही हैं हर फील्ड के अंदर, तो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि उनके लिए एक अलग ड्यूटी रूम होना चाहिए, फीमेल एंड मेल, सेफ्टी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास का और अटेंडेंट कंट्रोल, यानी कि हर एक आदमी अंदर चले जाए हॉस्पिटल्स में, थोड़ा इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। प्लस Anybody breaking hospitals, non-bailable warrants और ये चीज़ें होनी चाहिए। औरतों की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हम काम पे निकले हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हम रात को ड्यूटी कर रहे हैं और डरते डरते काम पे जा रहे हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, तो बेटी को सुरक्षा भी आप दीजिए, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी है और आप सबकी भी है। मेरा सब मेल से भी अनुरोध है कि एक फीमेल को इज्जत दो और उसका ध्यान रखो। डॉक्टरों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी दिनों से एक्टिव है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर सब सेफ नहीं रह गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से पिछले कई सालों से एक कानून पास करने की मांग की है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज जो है सरकार से बातचीत को लेकर रणनीति तैयार की गई है। ट्रैक किया जाए, इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। इसको एक, आप जानते हैं कि क्या ग्रूसम मर्डर हुआ है या रेप हुआ है, कितना मीडिया में आ रहा है, कितना कुछ फेक न्यूज़ आ रही है। कल 7,000 बंदा कलकत्ता में इकट्ठे हो गया और वैंडलिज्म हुआ, जहाँ ये क्राइम सीन था उसको तास नास कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई जो भी है, चीज़ें सामने आनी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो सुना आपने कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि आजकल हर फील्ड में 60% लड़कियां आ रही हैं, तो ऐसे में लड़कियों को सेफ्टी के पर्पस से बहुत कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। और फिलहाल जो है आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग कर रणनीति तैयार की गई है, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और डीसी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार की गई कि उस बेटी को न्याय जरूर मिले। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।